बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिजिक्स। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हार्मेशियन ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड थ्योरम रिलेटेड टू हार्मेशियन ऑपरेटर एज वेल एज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हार्मेशियन ऑपरेटर। हार्मेशियन ऑपरेटर क्या होता है? लेट कंसिडर टू फंक्शन साई एम एंड साई एन। An operator A is said to be Hermitian if it satisfy this integral. अगर हमारे पास दो वेव फंक्शन हो साई एम और साई एन और एक ऑपरेटर हो और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो इस किस्म के ऑपरेटर को हम बोलते हैं हार्मेशियन ऑपरेटर। मीन्स हम पहले इस वाले फंक्शन को लेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे और ये ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे इस साई एन पर, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर वॉल्यूम डी आर। फिर हम इस ऑपरेटर ए को इस साई एम पर ऑपरेट करेंगे और उसका होल कंजुगेट लेंगे और साई एन ऑपरेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डी आर। अगर कोई ऑपरेटर इस इक्वेशन को, इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो तो ऐसे ऑपरेटर को फिर हम बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मेशियन ऑपरेटर। और हमें मालूम है कि इस इंटीग्रल फॉर्म को हम ब्रैकेट में इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट, दिस कैन बी रिटन एज साई एम ए साई एन इक्वल टू ए साई एम इंटू साई एन। सिमिलरली एन ऑपरेटर ए is said to be anti-Hermitian operator if operator A satisfies this condition. Psi m conjugate A psi n equal to minus A psi m whole conjugate into psi n. Now, in case of same wave function, हमारे पास दोनों wave function ये और ये same हो, तो फिर ये वाला expression जो है और हार्मेशियन ऑपरेटर का जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह बन जाएगा? माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी साई एम स्टार ए साई एम डी एक्स इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ए साई एम होल स्टार इंटू साई एम डी एक्स। तो हमारे पास कोई भी ऑपरेटर हो ए और उस सेम फंक्शन पर ऑपरेट करे और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो इस किस्म के ऑपरेटर को हम बिल बोलते हैं हार्मेशियन ऑपरेटर। अगर हमारे पास वेव फंक्शन सेम हो और यहाँ पर माइनस आ जाए तो फिर इस किस्म के ऑपरेटर को बोलते हैं एंटी हार्मेशियन ऑपरेटर। ऑपरेटर को हमने ऑलरेडी पास्टुलेट में डिस्कस किया है कि हमारे पास क्लासिकल जो डायनामिकल वेरिएबल है पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, इसके क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ रिजेंबल होते हैं और उसको हम बोलते हैं क्वांटम ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू हार्मेशियन ऑपरेटर। सो थ्योरम नंबर फर्स्ट, द आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मेशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल। हमने इसको शो करना है कि हमारे पास कोई भी ऑपरेटर हो ए और ये किसी भी फंक्शन पर ऑपरेट करे, अगर ये ऑपरेटर हार्मेशियन हो तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी? रियल होगी। If the eigenvalue of Hermitian operator A in the state psi m and psi n be A m and A n respectively, that is, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक ऑपरेटर है A with cap और इसको हमने ऑपरेट किया एक वेव फंक्शन psi m पर और रिजल्ट में दे दिया A m एक कांस्टेंट है और psi m अगेन सेम वेव फंक्शन। सिमिलरली अगर इस ऑपरेटर को हम ऑपरेट करें, इस ऑपरेटर को हम ऑपरेट करें साई एन पर, तो रिजल्ट में क्या देगा? आइगन वैल्यू एंड साई एन, दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन, और इसको हमने पास्टुलेट में डिस्कस किया है आइगन वैल्यू इक्वेशन को। तो अगर हमारे पास ये ऑपरेटर रियल हो, सॉरी ये ऑपरेटर हार्मेशियन हो, तो इसकी ये वैल्यू जो है हमारे पास रियल होगी। सिमिलरली अगर ये ऑपरेटर ए हार्मेशियन ऑपरेटर हो तो इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होगी? रियल होगी। ऑपरेटर मीन्स मोमेंटम ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, एंगुलर ऑपरेटर एंड सो ऑन। नाउ
If the operator A is Hermitian, then it should satisfy the Hermitian operator condition, this one. इसको हमने already discuss किया है. अगर operator A Hermitian है, तो फिर इस condition को fulfill करेगा. Now, using equation 1, अगर इसी equation को हम यहाँ पर use करें, A psi n की जगह अगर हम put करें, A n psi n, और A psi m की जगह हम ये वाले वेरी put करें, A m psi m, whole steric psi n dx. अगर राइट साइड को हम लेफ्ट साइड में ले जाए तो वी अब 10 और साई एम स्टार साई एन को कॉमन करें सो वी अब 10 ए एन माइनस ए एम स्टार मल्टीप्लाइड बाई साई एम स्टार इंटू साई एन करेक्ट. दिस रिलेशन होल्ड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एम एंड एन. इफ एम इक्वल टू एन, अगर हमारे पास एम और एन दोनों इक्वल हो, देन दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ प्रॉबेबिलिटी. So if this term equal to 1 according to the definition of probability or normalization, then अगर ये हमारे पास 1 के बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये टर्म जो है ये 0 के बराबर होगा. So a m minus a m star equal to 0 or a m equal to a m star means हमारे पास कोई भी एक नंबर है अगर उसका हम कंजुगेट ले ले तो दोनों इक्वल है. तो ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास a m की वैल्यू मिसाल के तौर पर 8 हो, तो 8 स्टार अगर 8 का हम कंजुगेट ले लेंगे तो 8. अगर मिसाल के तौर पर ए की वैल्यू हमारे पास 5 हो तो ए एम स्टार इक्वल टू 5. तो याद रखिए एक रियल नंबर का कंजुगेट अगर हम ले लें और दोनों इक्वल हो, ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास ये नंबर जो है क्या हो, रियल हो. मिसाल के तौर पर हमारे पास ए एम सपोज रियल ना हो, इसकी मीनिंग हो 7 प्लस 3 आयोटा, तो ए एम स्टार बन जाएगा 7 माइनस 3 आयोटा विच इज नॉट इक्वल टू विच आर नॉट इक्वल. सो याद रखिए ए एम एक वैल्यू का और उसका कंजुगेट अगर दोनों इक्वल हो तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है कि ये जो है आइगन वैल्यू जो है एम, ये हमारे पास रियल है. नाउ थ्योरम नंबर 2 को देखे, स्टेट द आइगन फंक्शंस ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर दैट बिलोंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल. क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है और उसको हमने अपेड करना है दो वेव फंक्शन पर और रिजल्ट में हमें डिफरेंट आइगन वैल्यू मिलता है. तो हमने शो करना है कि फिर ये दोनों ऑपरेटर जो है हमारे पास ऑर्थोगोनल होगी, मींस इसका स्केलर प्रोडक्ट जो है या इंटीग्रेशन या स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा. दिस वन. सो लेट द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर ए इन द स्टेट साई एम एंड साई एन बी ए एम एंड ए एन रिस्पेक्टिवली. हमने यूज करना है आइगन वैल्यू इक्वेशन को. दिस इज ऑपरेटर ऑपरेट ऑन वेव फंक्शन साई एम इक्वल टू ए एम, दिस इज ए रियल नंबर साई एम. और सिमिलरली इस ऑपरेट को दूसरी वेव फंक्शन पर डिफरेंट वेव फंक्शन पर ऑपरेट करना है तो रिजल्ट में देगा ए एन इन टू साई एन. नाउ यूजिंग डिफिनीशन ऑफ हार्मोनिक सॉरी हर्मिशियन ऑपरेटर विच इज दिस वन. सो साई एम स्टार एज इट इज और ए साई एन की जगह हम ये वाले वैल्यू पुट करेंगे. सिमिलरली एस आई एम की जगह इस एस आई एम की जगह हम ये वाले वैल्यू पुट करेंगे एंड राइट साइड को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और साई एम स्टार साई एन को कॉमन कर लेंगे. सो बाई सिंप्लीफाइंग दिस वी ऑब्टेन ए एन माइनस ए एम स्टार मल्टीप्लाइड बाई दिस वेव फंक्शन इक्वल टू जीरो. अब स्टेटमेंट में गिवन है कि ये वैल्यू जो है ये दोनों डिफरेंट है. जब ये दोनों डिफरेंट है तो इसका सब्ट्रैक्शन कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा. सो मींस ए एन माइनस ए एम स्टार नॉट इक्वल टू जीरो और ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो ये तब पॉसिबल है. अगर ये नॉन जीरो हो तो फिर ये जो है मजबूरन लाजिमी तौर पर हमारे पास जीरो के बराबर होगा क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास जीरो है. सो इट मीन्स इफ दिस नॉट इक्वल टू जीरो देन दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो. अब अगर हमारे पास दो वेव फंक्शन हो उस कंडीशन को फुलफिल करता हो, मीन्स डिफरेंट वेव फंक्शन हो, एक का हम कंजुगेट ले ले और दूसरे को एज इट इज रहने दे और इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वॉल्यूम, रिजल्ट में जीरो दे दे, तो फिर इस किस्म के वेव फंक्शन को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन. सो साई एम एंड साई एन विच हैव डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. थ्योरम नंबर 3, द आइगन वैल्यूज ऑफ एन एंटी हर्मिटियन ऑपरेटर either favor imaginary or equal to zero. अब हमने ये शो करना है कि हमारे पास कोई भी ऑपरेटर हो वो एंटी हार्मिशियन हो
तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी हमारे पास इमेजिनरी होगी, कॉम्प्लेक्स होगी या जीरो होगी। तो हमें मालूम है कि हमारे पास एक ऑपरेटर तब एंटी हार्मिशियन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता, करेक्ट। सो लेट कंसिडर एन एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर ए एंड इट्स आइगन वैल्यू इक्वेशन इज दिस वन। हमारे पास एक ऑपरेटर है एंटी हार्मिशियन है, इसको हमने ऑपरेट के वेव फंक्शन साई पर और रिजल्ट में दिया आइगन वैल्यू लिम्डा एन इन टू साई एन। सिंस ऑपरेटर ए इज एंटी हार्मिशियन सो इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। यहां पर हमने लेना है कि हमारे पास जो साई एम है और साई एन है दोनों वेव फंक्शन इक्वल है, सो साई एम की जगह हमने साई एन स्टार को पुट किया, ए साई एन डी क्यूब एक्स इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ए साई एन स्टार साई एन डी एक्स। ये जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है हमारे पास किसकी कंडीशन है, हार्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन है। लेकिन जो एंटी हार्मिशियन की कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, एंटी हार्मिशियन की जो कंडीशन है वो हमारे पास ये वाला है, ये वाला। अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर एंटी हार्मिशियन हो तो फिर ये जो है इसके बराबर होगा। यूजिंग द आइगन वैल्यू इक्वेशन पर ऑपरेटर ए, हियर वी नो दैट ए साई इन इक्वल टू दिस वन, करेक्ट। सो अगर इसकी जगह हम ये वाले वैल्यू पुट करें और इसकी जगह हम ये वाले वैल्यू पुट करें और इस साइड को हम लेफ्ट साइड में ले जाए, सो वी ऑब्टेन लैम्डा एन प्लस लैम्डा एन स्टार माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी साई एन स्टार साई एन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमने जो है वॉल्यूम इंटीग्रल लिया है, क्योंकि हमने दो तीन क्वेश्चन जो पहले थे किए थे वो हमने लाइन इंटीग्रल से करवाए थे, अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिया है, मीन्स कि हमारे पास जो हर्मिशियन ऑपरेटर है वो लाइन में भी हो सकता है और वॉल्यूम इंटीग्रल में भी हो सकता है। अब अगर इस टर्म को देखें तो ये हमारे पास वेव फंक्शन जो है, अगर उसका कंजुगेट और वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता हो तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है या नॉर्मलाइज वेक्टर है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को या प्रोबेबिलिटी को सेटिस्फाई करता है। सुमीन अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी हमारे पास कोई भी पार्टिकल हो उसके साथ वेव फंक्शन रिलेटेड हो, करेक्ट। पार्टिकल मूविंग पार्टिकल हो उसके साथ वेव फंक्शन रिलेटेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी टर्म किसके बराबर होगी, वन के बराबर होगी। सो इट मीन दिस टर्म is not equal to zero, so automatically then this term equal to zero, which means lambda is purely imaginary or lambda equal to zero. तो याद रखें ये हमारे पास तब पॉसिबल है जब ये हमारे पास अगर कोई भी मिसाल के तौर पर एक वैल्यू है उसका हम कंजुगेट ले लें और रिजल्ट में जीरो दे दें, तो ये तब पॉसिबल है जब ये आइगन वैल्यू या लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या हो, इमेजनरी हो। अगर मिसाल के तौर पर लेमडा की वैल्यू हमारे पास फाइव हो, रियल हो, तो फाइव प्लस फाइव, अगर फाइव का हम कंजुगेट ले लें तो फाइव प्लस फाइव इक्वल टेन, तो 10 टू 0 के बराबर हो नहीं सकता। सो इट मीन्स ये तब पॉसिबल है अगर ये वैल्यू मिसाल के तौर पर इमेजनरी हो, 5 आयोटा हो, तो ये बन जाएगा माइनस 5 आयोटा इक्वल टू 0। सो इट इज क्लियर दैट द आइगन वैल्यू ऑफ एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर इज व्हाट, इमेजनरी। या इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, अगर लैम्डा की जगह हम 0 को पुट करें तो ये बन जाएगा 0। तो द आइगन वैल्यू ऑफ एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर आइदर इमेजनरी आर इक्वल टू 0। नाउ रिमेंबर इन क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास सम टाइम ऑपरेटर जो होता है वो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, तो फिर हमको किस तरह मालूम होगा कि ये ऑपरेटर जो है ये हर्मिशियन है या हर्मिशियन नहीं है, तो इसकी ये कंडीशन है। इन केस ऑफ मैट्रिक्स इफ ऑपरेटर ए इज इन मैट्रिक्स फॉर्म देन इट विल बी हर्मिशियन ऑपरेटर, इफ ए डिगर और ए हर्मिशियन कंजुगेट इक्वल टू ऑपरेटर ए, मीन्स ए हर्मिशियन कंजुगेट, इसको हम बोलते हैं ए हर्मिशियन कंजुगेट ऑपरेटर, या सिंपल ए डिगर ऑपरेटर इक्वल टू ए ट्रांसपोज इन टू स्टार, मीन्स अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेटर हो वो मैट्रिक्स फॉर्म में हो तो फिर हम पहले हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, मीन्स कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका कंजुगेट लेंगे और जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को, तो फिर हमारे पास वो ऑपरेटर जो होगा वो हार्मिशियन ऑपरेटर कंसिडर किया जाएगा। इस प्रॉब्लम को देखे, कंसिडर ए मैट्रिक्स ए विच रिप्रेजेंट एन ऑपरेटर, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है जो मैट्रिक्स फॉर्म में है। अब हमने शो करना है कि ये ऑपरेटर हार्मिशियन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, मीन्स रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे दिस वन, और फिर उसका कंजुगेट लेंगे, माइनस को कन्वर्ट करेंगे प्लस आयोटा में, माइनस को प्लस आयोटा में, प्लस आयोटा को माइनस आयोटा में, सो दिस बिकम दिस वन। अगर इसका हम
ट्रांसपोज तो हमने ले लिया ना, सॉरी ट्रांसपोज तो अगर हम ले लिया, अब अगर इसका हम कंजुगेट लेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ये वाला, क्योंकि हमें मालूम है कि एडिगर ऑपरेटर या हर्मिशियन कंजुगेट क्या होता है, ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज देंगे फिर कंजुगेट, करेक्ट ये वाला। सो इट मीन दिस ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू दिस ऑपरेटर, सो इट सिंपली मीन दिस ऑपरेटर ए इन द मैट्रिक्स फॉर्म इज नॉट ए हर्मिशियन ऑपरेटर। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेटर हार्मीशियन हो तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगी, रियल होगी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पास्ट पीरियड में कि हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, ब्रैकेट साई ऑपरेटर ऑन साई इक्वल टू डिवाइड बाई वेव फंक्शन साई मल्टीप्लाइड बाई साई, या इस फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेटर ए हो वो किसी भी ऑपरेशन पर ऑपरेट करता हो और वो ऑपरेटर हार्मीशियन हो तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी ये वाला, ये हमारे पास रियल होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रूव दैट मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा एच का डेल इज हार्मीशियन ऑपरेटर। ये हमारे पास डेल ऑपरेटर है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स वाला। सो यू नो पर द मोमेंटम ऑपरेटर टू बी हार्मीशियन, अगर हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर ये हो और ये हार्मीशियन हो तो ये हार्मीशियन ऑपरेटर की कंडीशन को फुलफिल करेगा ये वाला, करेक्ट। सो यहाँ पर जो है हमने ए की जगह ये वाले को पुट करना है और यहाँ पर भी ए की जगह ई को पुट करना है। सो दिस बिकम साई स्टार दिस वन एंड दिस वन। अब माइनस आयोटा एच कट जो है हमारे पास कांस्टेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा और बाकी टर्म एज इट इज। सिमिलरली माइनस आयोटा एच कट यहाँ पर उसका कंजुगेट ले लेंगे तो दिस बिकम आयोटा एच कट कांस्टेंट आगे आ जाएगा डेल साई स्टार इंटू साई डी आर। नव हमने इस साइड से इस साइड को प्रूव करना है, अगर इसको हम प्रूव करें तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर हार्मीशियन है। टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन माइनस आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई डी आर, करेक्ट दिस वन। नव हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, अगर इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में सॉल्व करें सो दिस बिकम दिस वन एंड दिस वन। चूंकि हमें मालूम है कि हमारे पास वेव फंक्शन जो होता है अकॉर्डिंग टू पिप पास जूलियट वो इन्फिनिट पर क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो बन जाएगा। सो दिस बिकम माइनस डेल साई स्टार साई डी आर, करेक्ट। यहाँ पर ये माइनस जो है माइनस आयोटा एच कट ये वाला, यहाँ पर भी माइनस आयोटा एच कट है, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें सो दिस बिकम आयोटा एच कट डेल साई स्टार साई इंटू डी आर। सो दिस इज द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन। सो इट सिंपली मीन्स कि मोमेंटम ऑपरेटर जो है हमारे पास हार्मीशियन ऑपरेटर है क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसको दोबारा देख के यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया माइनस आयोटा एच कट दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट टू दिस वन, और फिर इस पर हमने ऑपरेट के हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ये जी ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फार्मूला यहाँ पर हमने ऑपरेट किया यूज़ किया। यहाँ पर भी माइनस आयोटा एच कट है लेकिन उसमें बोल गया हूँ अगर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करें तो दिस टर्म कन्वर्ट टू जीरो, क्योंकि वेव फंक्शन इंफिनिटी पर जीरो के बराबर होता है, और यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट और ये जो है बन जाएगा आयोटा एच कट डेल साई स्टार इन टू साई डी आर। सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन, सो इट मीन्स मोमेंटम ऑपरेटर इज ए हार्मीशियन ऑपरेटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए, प्रूव दैट ऑपरेटर आयोटा डी बाई डी एक्स इज हार्मीशियन। हमने शो करना है कि ये ऑपरेटर हमारे पास हार्मीशियन ऑपरेटर है, तो याद रखिए ये तब हार्मीशियन होगा जब इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। तो ए की जगह हम पुट करेंगे आयोटा डी बाई डी एक्स और ए की जगह आयोटा डी बाई डी एक्स। सो अगर हमारे पास इस ऑपरेटर के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो जाए मीन्स लेफ्ट हैंड साइड दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो फिर हमारे पास ये ऑपरेटर जो है ये हार्मीशियन ऑपरेटर कंसिडर किया जाएगा, करेक्ट। सो कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड दिस वन साई एम स्टार आयोटा डी बाई डी एक्स साई एम डी एक्स, अगर इसको हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से करें तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सो साई एम आयोटा डी बाई डी एक्स साई एन डी एक्स, सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, और अगर डी बाई डी एक्स साई एन का हम इंटीग्रेट ले तो ऑब्टेन साई एन। सिमिलरली माइनस इसका हम डेरेवेटिव लेंगे सो डी बाई डी एक्स साई एम स्टार और डी बाई डी एक्स साई एन का इंटीग्रेट लेंगे तो ये बिकम साई एन। सो एट इन्फिनिटी दिस फंक्शन अप्रोच टू जीरो, सो दिस होल टर्म इक्वल टू जीरो, करेक्ट। सो दिस बिकम माइनस आयोटा साई एन डी बाई डी एक्स साई एम स्टार डी एक्स। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं आयोटा कंजुगेट, अगर हम इसका ले लें तो
हम ऑब्टेन करेंगे वापस ये वाला, सो दिस वन. सो इट इज क्लियर दैट दिस वेव फंक्शन, सॉरी दिस ऑपरेटर, दिस वन, दिस इक्वल टू दिस वन मीन्स इट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन आर दिस कंडीशन. सो आयोटा डी बाई डी एक्स इज ए हार्मिशियन ऑपरेटर. नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट डी स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर आर हार्मिशियन ऑपरेटर. हमें शो करना है कि हमें हमारे पास हार्मिशियन ऑपरेटर है, तो हार्मिशियन की हमने कंडीशन यूज करेंगे ये वाला. यहाँ पर ए की जगह हम पुट करेंगे डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. सो दिस बिकम दिस वन, दिस पार्ट कैन बी रिटन एज इन द ब्रैकेट दिस वन. तो अब याद रखिए अगेन हमारे पास दो टर्म आ गई, एस आई एम स्टार, दूसरा है डी स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर साई एन डी एक्स. तो ये वाला जो टर्म है ये वाला हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, और ये वाला हमारे पास बन जाएगा जी ऑफ एक्स. तो बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगर इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इस एक्सप्रेशन से सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन साई एम स्टार डी साई एन बाई डी एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्योंकि वेव फंक्शन इंफिनिटी पर जीरो के बराबर होता है तो जीरो बन जाएगा, माइनस इसका हम डेरिवेटिव लेंगे दिस वन, और डी स्क्वेयर साई एन डी स्क्वेयर का इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव रिड्यूस हो जाएगा दिस वन, करेक्ट. सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डी साई एन बाई डी एक्स डी साई एम स्टार बाई डी एक्स इन टू डी एक्स. अगेन ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास बन जाएगा जी ऑफ एक्स. इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स इस पर दोबारा अप्लाई करें, सो दिस बिकम माइनस साई एन दिस वन. इन्फिनिटी पर जो है वह फंक्शन जीरो के बराबर होता है साई एन, और ये माइनस जो है एक फार्मूली वाई माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा. सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, सो इट इज क्लियर दैट दिस एक्सप्रेशन साई एम स्टार डी स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर साई एन डी एक्स इक्वल टू दिस वन. सो इट मीन्स हमारे पास जो ऑपरेटर है डी स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, सो दिस इज ए हार्मिशियन ऑपरेटर. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास शो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इज हार्मिशियन. ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है और हमने शो करना है कि हार्मिशियन है. इफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इज हार्मिशियन देन इट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन. सो यहाँ पर जो है साई एम स्टार एज इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर यहाँ पर पुट करेंगे और साई एन डी एक्स. सिमिलरली इसकी जगह ये वाला एक्सप्रेशन पुट करेंगे दिस वन. अब हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को हम किस तरह ऑब्टेन करेंगे. अगर इस साइड से हमने इस साइड को ऑब्टेन किया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हार्मिशियन है. सो टेक लेफ्ट हैंड साइड माइनस इज कट स्क्वायर बाय 2m कॉमन कांस्टेंट आगे आ जाएगा दिस वन. अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स सेम मेथड है एज प्रीवियस वन. तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स हो जाएगा बाय यूजिंग दिस इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फार्मूला. सो माइनस इज कट स्क्वायर बाय 2m माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी साई एम स्टार दिस वन. अगर इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करें तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. सो डी स्क्वेयर साई इन बाई डी स्क्वेयर, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ऑब्टेन डी साई इन बाई डी एक्स. लिमिट को पुट करें वेव फंक्शन इन्फिनिटी पर जीरो के बराबर होता है दिस वन, और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसका इंटीग्रेशन दिस वन. सो बाई सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन माइनस एच कट स्क्वेयर बाई टू इन दिस वन. या इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी अगेन, अगर इसको हम दिस वन को अगर हम अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करें तो डी साई इन बाई डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा साई इन, और ए जो है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये वाला. दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज जी ऑफ एक्स. सो बाई यूजिंग अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट टू दिस वन एंड दिस कन्वर्ट टू दिस वन. सो माइनस इज कट स्क्वेयर बाई टू एम डी स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर साई एम स्टार साई इन डी एक्स. चूंकि हमारे पास रियल है, रियल का स्टार जो है रियल के बराबर होता है, तो इसको हम बाहर ले जाएंगे. सो माइनस इज कट स्क्वेयर बाय टू एम डी स्क्वेयर साई एम डी एक्स स्क्वेयर होल स्टार साई एम डी एक्स. सो दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन. सो इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इज ए हार्मिशियन ऑपरेटर. थैंक यू.